तो गाइज ये जो कैन है जब ये गर्म हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, इसको फ्रिज में रखते होंगे और तब जाकर के ये एक दो घंटे में ठंडा हो जाता है। लेकिन जो कुछ मेरे जैसे डेढ़ छाने लोग होते हैं ना, वो इसको फ्रीजर में रखते हैं जिससे और जल्दी ठंडा हो जाता है। यानी कि आप लगा लो कुछ भी कर लो 10-15 मिनट से जल्दी ठंडा नहीं हो सकता, भले फ्रिज में घुसा दो फ्रीजर में घुसा दो कुछ भी कर लो। लेकिन आज हमारे पास में उसी चीज का एक छोटा सा सॉल्यूशन है और जो कि बहुत ही मजेदार है। तो यहां पर हमारे पास में है एक क्विक कैन चिलर जो कि यहां पर लिखा हुआ है कूलिंग कप, और दोस्तों इसका दावा है कि ये जो है एक मिनट में कैन को ठंडा करेगा। तो हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, आपको दिखाएंगे कि क्या वास्तव में ये एक मिनट में कैन को ठंडा कर पाएगा। और साथ ही साथ में ये जो एक छोटी सी चीज है तो अपने आप में भी बहुत ही कमाल की चीज है। टेक्नोलॉजी कहां बढ़ गई कि जो कैन है वो आने लग गए, ऊपर से उनको ठंडा करने के लिए अलग से मशीनें भी आने लग गई। तो फटाफट से शुरू करते हैं, आप लोग इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा दीजिए। इस वीडियो से पहले एक बार इसकी समस्या भी सुन लो यार, मुझे पैसे कमाने का कोई अच्छा तरीका बता। तो भाई आपको भी बताना चाहूंगा और तुझे भी बताना चाहूंगा कि ओलम ट्रेड पर ट्रेडिंग करके अर्निंग करी जा सकती है। यहां पर अगर आप बिगिनर हैं तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस मिल जाएंगे कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। दोस्तों यहां पर हमको सिंपली ग्राफ में प्रेडिक्शन करना होता है कि ग्राफ है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर हमारे अकॉर्डिंग ग्राफ फिनिश होता है तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। सबसे बढ़िया फायदा यह है कि सिर्फ $10 से स्टार्टिंग करी जा सकती है और यहां पर आपको 24/7 का कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। एंड्रॉइड iOS दोनों पर ये काम करेगा और विड्रॉल्स के ऊपर कोई कमीशन भी नहीं लगता। साथ ही साथ में बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हो तुम अर्निंग करके ओलम ट्रेड पर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से ओलम ट्रेड को आप भी चेकआउट कर लीजिए और तू भी चेकआउट कर ले, ठीक है। पैसा कमाइए, मेहनत कीजिए, मजे लीजिए। दोस्तों ये जो कूलिंग कप है, ये जो कैन चिलर है, ये आता है इस तरीके के डब्बे में जो कि ब्लू एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में आता है। यहां पर लिखा हुआ है कूलिंग कप क्विक। और इसके डब्बे की बात करें तो इस पे इसके फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं, पीछे इसकी फोटो बनी हुई है और यहाँ पर इसके और स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो है 350 ml यानी कि 350 ml तक की चीज़ को कूल कर सकता है। इसमें जो है एक कैन ही मेरे हिसाब से आ पाएगा। ये चलता है 12 volt DC पे, यानी कि भैया बैटरी पावर पे चलेगा। तो यहाँ पर फटाक से खोलते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसको बिजली में भी लगा पाएंगे या नहीं। तो भाई यहाँ पर आता है एक प्रोटेक्शन, ये क्या है, ये है एक चार्जर। अरे वाह, तो ये अच्छी बात है, हैं? या क्या बताएं इनका, देखो जरा। अबे US वाला चार्जर दे दिया इन्होंने और यहाँ पर है एक, हैं? क्या बात है यार, इस पॉलीथिन के अंदर बड़ा ही मजेदार एक गिलास है, एकदम बढ़िया मेटल का है यार। एक बात है, इसको हाथ में पकड़ते ही बहुत अच्छा सा फील हो रहा है, अब आई डोंट नो क्यों हो रहा है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये एल्यूमिनियम का है और इसके ऊपर इन्होंने गोल्डन फिनिश कर रखी है। तो इसको भी रखते हैं साइड में और देखते हैं अंदर क्या है। तो ये है मेन कंपार्टमेंट, अंदर जो है इसके कुछ है नहीं, एक क्विक मैनुअल है, कुछ नहीं करना हमको इसका। तो हटाओ और सीधा आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। ये है क्विक कैन चिलर, इसमें भी एक प्रोटेक्शन है। अच्छी बात है, बहुत सारे प्रोटेक्शन दिए हैं क्योंकि काफ़ी दूर से आता है, मैंने मंगवाया अमेजोन से। अगर आपको मंगवाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन उससे पहले वीडियो देख लो। तो भैया ये है सारा राज, बस इसी के अंदर जो सारा कमाल होता है। और ये इसके ऊपर लग गया, ठीक है। और यहाँ पर अब आई डोंट नो कि इसके अंदर कूल ड्रिंक डाल के पीना है या फिर इसके अंदर कैन को रखना है, पता नहीं, देखते हैं अभी चालू करके। लेकिन उससे पहले इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा यार, इसको कैसे अपने प्लग में घुसाएंगे। तो गाइस टेंशन कम हो गई और ये जो प्लग है ये इस एक्सटेंशन में लग रहा है। देखो ये बहुत सकरा है, लेकिन यहाँ पर ये प्लग इसी तरीके से डिजाइन है कि इसमें लग चुका है। इसको रख देते हैं और स्विच को कर देंगे ऑन और आई होप कि ये जो है काम करेगा। तो स्विच मैंने ऑन कर दिया है और इसको लगाते हैं, इसको लगा देते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर जो है 12 volt DC आ रही है तो इसमें जो है कोई खतरा नहीं है, उसमें खतरा है। तो यहाँ पर रख दिया मैंने, तो हाँ लाइट नहीं आई यार इसमें, इसमें एक फैन चला है बिल्कुल, देखो है उत्तरी। गाइज ये जो है एक टच बटन है, देखो यहाँ कोई स्विच नहीं है, लेकिन जैसे मैं इसको टच करता हूँ देखो ये चल जाता है, ये बंद हो जाता है। अभी ये ऑन हो गया, अभी ऑफ हो गया, क्या बात है, सिर्फ टच करने से हो रहा है। शुरू में मेरा गलती से हो गया था। तो यहाँ पर इसको ऑन कर देते हैं और चलने देते हैं। और यहाँ पर पता है मैंने इसकी मैनुअल पढ़ी, इसमें दो तरीके हैं, या तो हम
इस कैन के अंदर अपनी कोल्ड ड्रिंक को डाल के इसमें रख सकते हैं। ओ तेरी, ये ठंडा होने लग गया। या तो इसके अंदर हम इसको डाल के रख सकते हैं या फिर सीधा कैन को ही इसके ऊपर रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि हमारे जो कैन है उनका टेम्परेचर क्या है। नहीं तो भैया, कई मेरे जैसे डेढ़ छाने लोग ये बोलेंगे कि तुमने पहले ही ठंडे कर रखे थे, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको पहले इनका टेम्परेचर दिखाएंगे, या टेम्परेचर नापने की मशीन। तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर है 22-23, इसका भी है 22-23-24 डिग्री, और इसका भी है वही, क्योंकि रूम का टेम्परेचर इतना ही है, तो इनका भी 23-24 डिग्री के अराउंड है। तो अब इसको चालू करते हैं। हो जा, स्विच ऑफ है, हो गया। और अब जो है, मैं इसमें ये थम्स अप का कैन रखने वाला हूँ सिर्फ एक मिनट के लिए गिन के। तो यहाँ पर ये गया कैन, और देखते हैं क्या होता है एक मिनट में। तो गाइज, इसको जो है लगभग एक मिनट हो चुकी है। कैन को हटाते हैं, इसको बंद करते हैं। यार मेरे को तो ठंडा लग ही नहीं रहा है, हैं? ये 23 डिग्री, ये तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो है सही तरीका नहीं है इसको गर्म करने का। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको इसमें रख के करें क्या, यार कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको एक काम करते हैं, खोलते हैं और सीधा इस कप में डालते हैं। ये जो कप है ये इसी चीज़ के लिए बना हुआ है, और इसकी कैपेसिटी 350 ml लिखी थी, तो आई थिंक ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें 300 ml आता है, 300 ml बिल्कुल। और अब देखते हैं क्या होता है। सीधा जो है यहाँ पर मैं टाइमर लगा दूंगा एक मिनट का, ठीक है। स्टॉप वॉच लगा रहा हूँ, इसको ऑन किया, स्टॉप वॉच चालू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक मिनट हो चुका है, इसको बंद करते हैं। और गाइस, अब जो कैन है, हाँ इस बार मुझे थोड़ा सा ठंडा ये फील हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ, ज़रा देखते हैं। लेकिन ये पीने लायक ज़रूर है। तो गाइस, इस बार ये जो है 22-21 डिग्री पे आया है, एक डिग्री ठंडा हुआ है, ये क्या मतलब है भाई। तो गाइज, यहाँ पर एक मिनट में तो कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा ठंडा हुआ, जो कि बहुत मार्जिनल है, इतना तो फ्रिज में भी जाता। तो एक काम करते हैं, अब इसको 5 मिनट के लिए चलाते हैं ज़रा। और अब देखते हैं क्या हुआ। 5 मिनट पूरे हो गए हैं, हम लोग बैठे थे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इसको ऑफ कर रहा हूँ, और हाँ इस बार थोड़ा ठंडा फील हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है यार। 5 मिनट काफ़ी होते हैं, एक बार ज़रा देखते हैं टेम्परेचर 23 से कितना नीचे आया है। तो या इस बार 20 डिग्रीज, यार 5 मिनट रखा, 22-23-24 डिग्री से इसने 20 डिग्री किया, यानी कि 3-4 डिग्रीज कम किया है टेम्परेचर। इतना तो भाई मैं ठंडे पानी में डाल लूँगा, उससे बढ़िया क्या बताएं। तू बेकार है, तू काम नहीं करता। तेरे को नहीं पता तू काम नहीं करता, लेकिन तू नहीं करता काम। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो भाई मैंने अमेजोन से मंगवाया था, देखो 2800 रुपए का मुझे पड़ा था, अभी भी 2800 रुपए का है, लेकिन मुझे लगा शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ या कुछ हो रहा होगा। तो मैंने इसको खोला, और यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है कि इंस्टेंट कूलिंग, लार्ज कैपेसिटी एंड इंस्टेंट कूलिंग, इसमें भी इन्होंने लिख रखा है। तो यार एक बात बताओ, 6 मिनट हमने ठंडा कर लिया, फिर भी अगर ठंडा नहीं हुआ तो इंस्टेंट कहाँ से हुआ। वही बात है ना, इससे बढ़िया तो अपन इसको फ्रीजर में रख देंगे तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, या तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। मैं ये मान सकता हूँ कि भाई ये ठंडा कर सकता है, लेकिन ये जो क्लेम कर रहे हैं ना कि भाई बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा, वैसा नहीं है। इंस्टेंट इनको नहीं लिखना चाहिए, ये जो है मुझे लगता है कम से कम 15-20 मिनट लेगा ठंडा करने में। तो आपके फ्रिज में रखो या इसमें रखो, ये थोड़ा कन्वीनियंट ज़रूर है कि आप अपने कंप्यूटर टेबल के पास या फिर स्टडी टेबल के पास इसको रख सकते हो, उसमें अपना जो कैन है उसको रख सकते हो कुछ इस तरीके से बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये फटाक से ठंडा करके दे देगा। अब भाई देखो, हमारा काम है आपको एक्चुअल चीज़ दिखाना, हमारा काम ये नहीं है कि हम कोई प्रोडक्ट मंगवाएं, अनबॉक्सिंग करें और आपको उसकी खूबियाँ बता दें।
भैया अगर प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है या अच्छे से नहीं काम कर रहा है तो हमारा फर्ज वो भी बनता है। तो जैसा मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मंगवा लो प्रोडक्ट। तो भैया मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, इस प्रोडक्ट को मत ही मंगवाना। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक जरूर कर सकते हो, जिससे कि आपको ये पता रहे कि भैया ये इतना टाइम लेता है। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में भी हो सकता है कोई दिक्कत हो, या फिर हो सकता है किसी दूसरे ब्रांड का बढ़िया से काम भी करें, मुझे ज़्यादा नहीं पता। लेकिन ये पर्टिकुलर जो पीस है, इसने 6 मिनट में सिर्फ हमारा जो टेम्परेचर है कैन का वो कितना 23-24 से 20 डिग्रीज किया, बिल्कुल ना के बराबर था, जो कि यार इतना वेट करने के बाद। तो अगर आपको इस वीडियो में आया मज़ा तो नीचे जो लाइक का बटन है वो ज़रूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और मस्त मस्त वीडियो के लिए। इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार देख लेना अगर चाहो तो, कि ये कहाँ पर मिलता है ऐसी चीज़ें। देखो एक यूनिक सा कंसेप्ट था, लेकिन अगर काम करता तो मज़ा आता। लेकिन यार इतना देर अब कौन इसके लिए बैठा रहेगा, अपने आप चालू हो जाता है टच के बटन से। तो अगर आपको आया मज़ा इस वीडियो में तो नीचे जो लाइक का बटन है वो दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोज और अनबॉक्सिंग के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे तो लग गए।